राफेल मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे को बरकरार रखने के 14 दिसंबर 2018 दरअसल फैसला सुनाया था। इसके बाद इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी। 14 दिसंबर के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई है, जिसमें फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट से 36 लड़ाकू विमान खरीदने के केंद्र के राफेल सौदे को क्लीन चिट दी गई थी। रिपोर्ट देखिए। चौदह नवंबर को राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करेगा। दरअसल फ्रांस के साथ भारत की राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर हुई डील पर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए थे। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं ने जमकर इस मुद्दे को उछाला था। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा था और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाए गए थे कि राफेल डील में भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2018 को राफेल डील पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया था। लेकिन इस फैसले के खिलाफ वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी ने पुनर्विचार याचिकाएं दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल पर सरकार के पक्ष में सुनाया था फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिकाओं पर की थी सुनवाई। राफेल सौदे की जांच के आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया था इनकार। दसॉल्ट से 36 लड़ाकू विमान खरीदने के केंद्र के राफेल सौदे को क्लीन चिट दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 14 दिसंबर 2018 को दायर हुई पुनर्विचार याचिकाएं यशवंत सिन्हा, अरुण चौरी और प्रशांत भूषण ने फैसले पर दाखिल की थी पुनर्विचार याचिका। 10 मई को सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच ने फैसला रखा था सुरक्षित। कांग्रेस का कहना है कि सरकार काफी ज्यादा कीमत पर लड़ाकू विमान खरीद रही है, जबकि यूपीए सरकार ने विमानों की कम कीमत तय की थी। जो हवाई जहाज 520 करोड़ रुपए का था, उसको आपने 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा? कांग्रेस के आरोप। मोदी सरकार 1670 करोड़ रुपए प्रति विमान के हिसाब से खरीद कर रही है। यूपीए सरकार ने प्रति विमान 526 करोड़ रुपए कीमत तय की थी। कैसे प्रति विमान की कीमत 526 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1670 करोड़ रुपए की गई? मोदी सरकार ने राफेल सौदे की जानकारी देने से इनकार किया। सीजीआई रिटायर होने से पहले इस अहम मामले पर फैसला सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2018 के फैसले में राफेल डील को तय प्रक्रिया के तहत होना बताया था। अदालत ने उस वक्त डील को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी थी। हालांकि कुछ गोपनीय दस्तावेज लीक होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वकील प्रशांत भूषण ने डील के दस्तावेजों के आधार पर इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाएं दायर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।